आज हम लोग राहुल गांधी और ममता बनर्जी का पुतला यहाँ पर फूकने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या वजह रहा है? राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से जारी किया गया है, सर्वानंद सोनेवाल की जो वहाँ पर आसाम की सरकार है उन्होंने इसको जारी किया है, इसमें जो अवैध रूप से भारत में रहने वाले जो 40 लाख लोग पाए गए हैं उनके पक्ष में जिस तरह का बयान राहुल गांधी जी दे रहे हैं, जिस तरह का बयान ममता बनर्जी दे रही हैं, यह शर्मिंदगी का विषय है। राहुल गांधी की जो दादी थी उन्होंने 1971 में कहा था कि किसी भी जाति या धर्म का कोई भी शरणार्थी जो आ रहा है बांग्लादेश से उसको भारत से बाहर जाना ही होगा। आज राहुल गांधी कांग्रेस की मूल नीतियों के खिलाफ जाकर के वोट की राजनीति कर रहे हैं और जो माननीय इंदिरा गांधी जी के विचार थे उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी लीड सरकार है वो उस पर काम कर रही निष्पक्ष रूप से। जो 40 लाख लोगों का लोग जो अवैध रूप से मतलब जिनका अभी वो रजिस्टर में नाम नहीं आया है उसमें 16 लाख हिंदू हैं और 24 लाख मुसलमान हैं। हमारा मानना है कि न ये हिंदू हैं न मुसलमान हैं, ये बांग्लादेश के निवासी हैं और बांग्लादेश के निवासी बांग्लादेश में वापस जाए, इनका भारत में मताधिकार फ्रीज कर दिया जाए जब तक कि इन लोगों का को निश्चिंत न हो जाए कि इनकी नागरिकता एकदम कन्फर्म ना हो जाए। दूसरा ये है कि इनको भारत में संपत्ति खरीदने और बेचने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया जाए ताकि ये अवैध रूप से अन्य जगहों पर ये संपत्ति खरीद न सके। तीसरा ये है कि पूरे भारत में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जारी किया जाना चाहिए क्योंकि जो चोरी करता है चोरी करके चोरी वाले घर में नहीं बैठा रहेगा। पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, इवन दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है वो इन्हीं झुग्गी झोपड़ी में बसे हुए जो अवैध बांग्लादेशी हैं इनकी वजह से यह सरकार सत्ता में आई है। इसलिए हमारी यह मांग है कि जितने भी लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनका पहले मताधिकार प्रतिबंधित कर दिया जाए, उसके बाद उनको एक राजनीतिक वार्ता के क्रम में भारत के बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू।